सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो नेक बैंड जो दोस्तों मेरे पास रियलमी का ब्लूटूथ नेक बैंड दोस्तों, और दोस्तों एक है मेरे पास बोट रोकस का 255F। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके सामने इन दोनों में कंपेयर करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा और दोस्तों कौन सा आपको खरीदना चाहिए और दोनों के दोस्तों प्राइस क्या है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको दोनों नेक बैंड के बारे में बताता हूँ कि आपके लिए दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा और दोस्तों कौन सा आपको खरीदना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम रियलमी के इस नेक बैंड के बारे में। दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो ये आता है दोस्तों आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट और अमेजन पर 1700 रुपये का। या दोस्तों अभी जी आपको 1600 से 1700 रुपये के बीच मिल जाएगा, बट दोस्तों जब सेल जल्दी रहती है तो जो सेल के अंदर 1300 से 1400 रुपये के बीच मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको रियलमी का नेक बैंड खरीदना ये वाला तो दोस्तों अभी आपको फिलहाल 1700 रुपये का मिलेगा। दोस्तों इसकी फीचर की बात की जाए तो दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो आपको तकरीबन 10 से 12 घंटे का बैटरी दे देती है फुल चार्ज करने के बाद। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा नेक बैंड चाहिए जिसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा दमदार हो, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिले, तो दोस्तों आप इस नेक बैंड को ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी है, इसमें दोस्तों जो जो पार्ट दिया गया है जो प्लास्टिक का है, तो जब आप इसे कान में यूज करते हो तो आपको ज़्यादा हैवी वेट नहीं लगेगा, आपके कान में बिल्कुल दर्द नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जो पार्ट है प्लास्टिक का है, और दोस्तों इसका जो मेन हाईलाइट है इस नेक बैंड का रियलमी वाले का, दोस्तों इसका जो मेन हाईलाइट ये है कि इसमें एक भी बटन नहीं है जिससे आप इसे स्विच ऑफ कर सको। आपको जो जैसे इसे हटाओगे तो ये ऑन हो जाएगा, और दोस्तों जैसे ही आप ये चिपकाओगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ये मेन अलर्ट है कि इसका जो पावर ऑन ऑफ बटन है यही सब कुछ है। अगर आप इसे अलग कर देते हो तो ये ऑन हो जाएगा, और इसे आप टच कर देते हो तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर ये आपके डिवाइस से कनेक्ट है तो इसे ऑफ करते ही ये आपके डिवाइस से डिसकनेक्ट हो जाएगा, और ऑन करते ही इसको हटाते ही ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है इस नेक बैंड में, इसकी बैटरी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, फुल चार्ज करने के बाद आपको तकरीबन 10 से 12 घंटे का बैटरी को आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसा साउंड क्वालिटी चाहिए जो दोस्तों नॉर्मल हो, ज़्यादा तगड़ा उसमें बेस ना आए, तो दोस्तों आप इस नेक बैंड को ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसकी जो बिल्ड इसकी दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी है वो एकदम बेसिक दी गई है, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपके कानों में ज़्यादा दम धूम धूम की आवाज़ होती है, वो ऐसी आवाज़ आए। पर दोस्तों अगर आप इससे पहन के अगर कॉलिंग में बात करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसमें आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल सुनाई देगी। आप अगर किसी से कॉल पर बात करते हो तो ना ही आपको कोई परेशानी होगी और ना ही सुनने वाले को कोई परेशानी होगी, दोनों को दोस्तों क्लियर आवाज़ आने वाली है, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी वजह से बात करते टाइम। पर दोस्तों अगर आपको एक ऐसा नेक बैंड चाहिए कि जिसमें दोस्तों काफ़ी अच्छा बेस आए, काफ़ी तगड़ी तगड़ी दोस्ती हो, धूम धूम की आवाज़ होती है, उस टाइप की आवाज़ आपको चाहिए, तब आपके दोस्तों ये नहीं है। अब वहीं दोस्तों बात करें बोट रोकस की, इसकी दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसकी बैटरी की बात करें तो फुल चार्ज करने के बाद दोस्तों आपको तकरीबन 6 से 7 घंटे बैटरी का इसमें मिल जाएगा। दोस्तों रियलमी के अगर देखा जाए तो इसमें हमें आधा बैटरी का मिलता है रियलमी के हिसाब से, रियलमी दोस्तों हमें 12 घंटे का बैटरी का मिलता है और इसमें हमें 6 घंटे का बैटरी का मिलता है। दोस्तों बैटरी के मामले में उससे काफ़ी कम है ये। वहीं दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो दोस्तों पूरा प्लास्टिक का है, बट दोस्तों इसका जो जी वाला भाग है GRP इस वाला जो दोस्तों मैटर का दिया गया है दोस्तों, बट इसमें दोस्तों वो वाला फंक्शन नहीं है जो रियल में दिया गया है। अगर आप इसे अलग कर देते हो या फिर चिपका देते हो तो आपके फोन से ना तो डिस्कनेक्ट होगा ना ही ये कनेक्ट होगा। इसमें दोस्तों अलग से बटन दिया गया है पावर ऑफ का, अगर आप इसे ऑन करना है ऑफ करना है तो आप इस बटन से कर सकते हो। इसमें दोस्तों मैग्नेटिक वाला सिस्टम नहीं है कि अगर आप इसे अलग कर दोगे तो ये ऑन हो जाएगा या फिर चिपका दोगे तो ऑफ हो जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर। वहीं दोस्तों अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जिनको एक ऐसा नेक बैंड चाहिए होता है जिसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेस आए, काफ़ी ज़्यादा धमाका है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा नेक बैंड चाहिए तब आप इस बोट रोकस 255F को ले सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा साउंड सुनाई देगा। आपको अगर ऐसा नेक बैंड चाहिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड आपको अगर ऐसे नेक बैंड चाहिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा बेस आए, काफ़ी ज़्यादा धमाका आए, तब आप इस नेक बैंड को ले सकते हो। अगर आप इसे अपने कान में लगा के सुनते हो किसी भी सॉन्ग को तो दोस्तों आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, क्योंकि दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लाउड है रियलमी के कंपेरिजन में। और दोस्तों इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको फ्लिपकार्ट पर अभी 1500 रुपये के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों सेल खत्म हो चुकी है।
अगर आप इसे बिना सेल के खरीदते हो तो ये आपको 1500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप इसे सेल के अंदर खरीदते हो तो ये आपको 1000 से 1100 रुपये में मिल जाता है। दोस्तों इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, ये दोनों ही अपनी जगह पर अलग अलग तरीके से सही हैं। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं। इसकी दोस्तों ये बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसमें आपको 12 घंटे का बैटरी मिल जाता है। इसकी बात करें तो इसमें आपको 6 घंटे का मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा नेकबैंड चाहिए जिसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, काफ़ी ज़्यादा चले, तो आप रियलमी में ले सकते हो। और दोस्तों अगर आपको एक ऐसा चाहिए जिसमें दोस्तों बैटरी आप चार्ज कर सकते हो बट उसमें उसमें म्यूजिक काफ़ी लाउड हो, तो आप इस बोट रोवर का ले सकते हो। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस प्राइस में, ये 1700 रुपये का आता है या 1500 रुपये का आता है, 200 रुपये डिफरेंस है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हो। इन दोनों की प्राइस दोस्तों 200 रुपये का डिफरेंस है, एक 1700 रुपये का है या 1500 रुपये का है, और दोनों ही दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट मिल जाएंगे। और दोस्तों इन दोनों नेक बैंड की आपको 1 साल की वारंटी मिल जाएगी, जिसे आप इजीली तरीके से ऑनलाइन अपनी वारंटी ले सकते हो। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, इन दोनों में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप 1 साल की वारंटी इनमें ले सकते हो, आपको इन दोनों में 1 साल की वारंटी मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको इनमें से नेकबैंड कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नेकबैंड आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा नेकबैंड आपके लिए परफेक्ट रहेगा। और दोस्तों इन दोनों की प्राइस का है आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सारी वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।